So hello. Am I audible to you all? Right. Okay. So I'm audible, right? So this is CS Sanidhya Saraf, your friend, mentor and coach. So कैसे हैं आप? उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अच्छे हैं और आपकी प्रिपरेशंस अच्छी चल रही है। So इस वीडियो के अंदर मैं लेकर आया हूँ आपके लिए 6-day लॉ रिविजन प्लानर फॉर द अपकमिंग मे 23 एग्जामिनेशंस। तो ऑडिट का भी इसी तरीके से 6 दिन का रिवीजन प्लान मैं लेकर आया था। काफी सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट करा कि सर प्लीज लॉ का भी प्लान हमें लाके दीजिए। तो बहुत ही साइंटिफिक वे में ये प्लान डिजाइन किया गया है कि 6 दिन के अंदर आपको लॉ पूरा अच्छे से कंप्लीट करना है। तो अकॉर्डिंगली आप 6 दिन के अंदर किस तरीके से लॉ को कंप्लीट कर सकते हो, किस तरीके से टॉपिक्स डिवाइड कर सकते हो, किस टॉपिक में कितना टाइम लगना चाहिए, कौन सा टॉपिक पहले करना चाहिए, कौन सा टॉपिक बाद में करना चाहिए। तो बहुत ही साइंटिफिक वे में ये सब कुछ चीज डिजाइंड है कि अगर आप इस प्लान को फॉलो करते हो तो डेफिनेटली इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं भाई कि कोई भी प्लान, कोई भी शेड्यूल हर बच्चे के लिए टेलर मेड नहीं हो सकता। हर बच्चे का अलग नीड होता है, अलग परसेप्शन होता है। तो ये जो प्लान बनाया है मैंने, ये जो रिविजन प्लान मैंने बनाया है, ये कॉमनली सारे स्टूडेंट्स के कॉमन नीड्स को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। बट अगर किसी बच्चे को लगता है सर जो मेरा पढ़ने का पैटर्न है, जो मैंने क्लासेस फॉलो करी है, जो मेरा पढ़ने का साइकिल है, उसके हिसाब से मैं थोड़ा सा अलग रिवीजन प्लानर फॉलो करना चाहता हूं, तो यू आर फ्री टू डू दैट। आप इस रिवीजन प्लानर के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, यू आर फ्री टू डू दैट। आपको लग सकता है सर आपने फलाने टॉपिक में बहुत ज्यादा टाइम अलॉट कर दिया है, मेरे को तो बहुत कम टाइम चाहिए क्योंकि मैंने ये टॉपिक पहले से बहुत अच्छे से कर रखा है, तो यू आर फ्री टू रिड्यूस दैट टाइम स्पेन। आपको लग सकता है सर इस टॉपिक में आपने बहुत कम टाइम दे दिया है, बट मेरा जो प्रिपरेशन है इस टॉपिक में बहुत खराब है, मुझे ज्यादा टाइम चाहिए, तो आप हरा सकते हो। ये मैंने जो प्लानर बनाया है एक साइंटिफिक वे में कि 90% बच्चों को सूट कर जाए, फिट कर जाए आपके लिए, तो अकॉर्डिंगली ये प्लानर बनाया है। तो आपने 10 आवर्स करके लॉ को देने हैं। अगर आप 10 आवर्स करके लॉ को देते हो तो 6 दिन के अंदर आप पूरा लॉ रिवाइज कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से। एंड आपकी मर्जी है कि आप 6 डेज के अंदर इस शेड्यूल को फॉलो करना चाहते हो गिविंग 10 आवर्स डेली, या फिर आप इस शेड्यूल को 12 डेज में कन्वर्ट करना चाहते हो गिविंग 5 आवर्स डेली। अकॉर्डिंगली आपने टॉपिक्स भी डिवाइड कर दिया आधे आधे के हिसाब से, तो वो आपके ऊपर है कंप्लीटली, राइट। दैट्स कंप्लीटली योर डिस्क्रिप्शन। आपको लगे सर क्या 60 आवर्स में लॉ रिवाइज करना पॉसिबल है? भाई ये 60 आवर्स में ना तुम लॉ को 2 बार रिवाइज कर सकते हो अगर तुम ढंग से रिवाइज कर रहे हो। अगर आपने अपने क्लासेस जब देखे हैं, आपने कंसाइज नोट्स प्रिपेयर किए हैं, यू नो व्हाट इज रेलेवेंट, व्हाट इज नॉट रेलेवेंट, यू नो द आर्ट ऑफ रिविजन, तो भैया 60 आवर्स में तुम 2 बार लॉ को रिवाइज कर सकते हो। तो बहुत आराम से रिवाइज हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपको दिक्कत लग रही है, आपको कॉन्सेप्ट में कहीं कमी लग रही है, आपको लग रहा है कि सर इतने कम टाइम में मेरे से चीजें नहीं होती, तो आप मेरा संजीवनी कोर्स भी फॉलो कर सकते हो जहां पे 30 आवर्स के अंदर ऑडिट लॉ हम कंप्लीट कराते हैं। तो 30 आवर्स में आप क्लासेस देख रहे हो, 30 आवर्स में साथ में रिवाइज कर रहे हो, एनीवेज वैसे ही 2 बार रिविजन हो जाएगा 60 घंटे में, ठीक है। और ये जो शेड्यूल है ये हर बच्चा फॉलो कर सकता है, चाहे आपने मुझसे क्लासेस ली हो, नहीं ली हो, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। तो देखना सबसे पहले डे 1, कमिंग टू डे 1। तो जो भी आपका डे 1 रहेगा उसमें मैंने 2 टॉपिक्स रखे हैं यहाँ पे सर, अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स दैट कंसिस्ट ऑफ सेक्शन 149 टू 172, एंड सेकंड वी हैव द मैनेजरल रेम्युनरेशन चैप्टर दैट इज सेक्शन 196 टू 205। तो डायरेक्टर्स का कुल मिलाकर 3 चैप्टर्स हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, देन बोर्ड मीटिंग एंड देन मैनेजरल रेम्युनरेशन। तो ये 3 में से 2 चैप्टर्स मैंने पहले दिन में रखा है, जिसमें अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स लगभग 6 घंटा लगना चाहिए आपको, और मैनेजरल रेम्युनरेशन लगभग 4 घंटा लगना। तो अपॉइंटमेंट क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स 6 आवर्स, मैनेजर रेम्युनरेशन का टॉपिक दैट इज गोइंग टू टेक 4 आवर्स। इतने टाइम में आराम से हो जाएगा। आपको लगता है सर इन टॉपिक्स को रिवाइज करने में दिक्कत आ रही है, तो एज आई टोल्ड यू एक ऑप्शन है संजीवनी कोर्स आप ले रहे हो, तो उसमें साथ साथ रिवाइज हो जा रहा है, साथ साथ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में काम कर रहे हो आप। आपको क्लासेस लेने की मन नहीं है सर, कुछ फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल हैं क्या? तो येस, डायरेक्टर के अपने समरी नोट्स अवेलेबल हैं, डायरेक्टर्स के अपने रिविजनरी वीडियोज अवेलेबल हैं, और रिसेंटली जो भी YouTube में आपको मिलेगा मेरे रिविजनरी वीडियोस वगैरह बहुत ही कंसाइज हैं, बहुत ही रिलायबल हैं, बहुत ही रेलिवेंट है, और उसके बाद कुछ ज्यादा अमेंडमेंट्स है नहीं, है ना। तो आप आराम से उन वीडियोस को रेफर कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप आराम से उन वीडियोस को रेफर कर सकते हो। प्लस आपके अटेम्प्ट के लिए भी मैं फ्रेश रिविजनरी वीडियोस भी रिलीज करने वाला हूं, जिसके अंदर मैं एंश्योर करूंगा कि डायरेक्टर्स का जो टॉपिक है 2 घंटे में आराम से पूरा रिवाइज हो जाए। 2 घंटे के अंदर हम लोग आराम से पूरा डायरेक्टर्स रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। तो आप उन रिविजनरी वीडियोस को भी यूज कर पाओगे। तो अपॉइंटमेंट क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर 6 आवर्स, मैनेजर रेम्युनरेशन 4 आवर्स। देन कमिंग टू डे 2, अब डे 2 में आते हैं। तो यहाँ पे वी हैव मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर 6 आवर्स, सेक्शन 173 टू 195, 173 टू 195। देन वी हैव इंस्पेक्शन इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन 2 आवर्स, इंस्पेक्शन इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन का जो चैप्टर है 2 घंटे। एंड देन वी हैव प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट 2 घंटे। तो ये 3 चैप्टर्स रखे हैं मैंने डे 2 के अंदर। उसके बाद डे 3 में आते हैं। तो डे 3 के अंदर बचा हुआ कंपनी लॉ अपने को खत्म करना है। सबसे पहले कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट का जो चैप्टर है सेक्शन 230 से लेकर 240 तक, दैट इज गोइंग टू टेक अराउंड 3 आवर्स। देन फॉरेन कंपनी, निधि कंपनी के 2 चैप्टर्स, छोटे छोटे चैप्टर, प्यारे प्यारे चैप्टर, 1 घंटा। सेक्शन 247 से लेकर 252। 247 वैल्युएशन रूल्स की बात कर रहा है, वैल्युएशन एंड द रूल्स, एंड 248 से 252 इट टॉक्स अबाउट रिमूवल ऑफ कंपनीज नेम फ्रॉम द आरओसी। तो ये 5 सेक्शंस का जो चैप्टर है, रेड विथ रूल्स 2 घंटे, एनसीईआरटी का चैप्टर 1 घंटा, मिसलेनियस प्रोविजन का चैप्टर आधा घंटा, और बच्चे में जो 2.5 घंटे हैं ना, ये 2.5 आवर्स रखा है मैंने लास्ट में वाइंडिंग अप के लिए। क्यों वाइंडिंग अप में इससे ज्यादा टाइम आप डिवोट नहीं करेंगे। पहले आप वाइंडिंग अप को ले लोगे ना तो अननेसेसरली बहुत ज्यादा टाइम लगा दोगे, बट वाइंडिंग अप में इससे ज्यादा टाइम डिवोट करने का मैं एडवाइस नहीं करता हूं आपको। आई डोंट एडवाइस, बिकॉज उतना वेटेज नहीं होता। तो यहाँ पे आप देखोगे अपना कंपनी लॉ का पोर्शन कंप्लीट हो गया फर्स्ट 3 डेज में। कंपनी लॉ का पोर्शन खत्म हो गया फर्स्ट 3 डेज में। काफी बच्चे क्या करते हैं, 70% ऑफ टॉपिक कंपनी लॉ, 70% ऑफ टाइम अवेलेबल कंपनी लॉ को दे देते हैं, लेकिन और जो बचा हुआ इकोनॉमिक लॉज है उसको 30% टाइम ही देते हैं। यहाँ पे आप करते हैं बहुत मेजर गलती। आपको कंपनी लॉ और इकोनॉमिक लॉस को लगभग बराबर सा ही टाइम देना है इफ यू वांट टू अचीव ऑप्टिमम रिजल्ट्स इन द एग्जाम, ठीक है ना। क्योंकि इकोनॉमिक लॉस के पार्ट में कुछ ऐसे टेक्निकल चैप्टर्स हैं जिसमें आपको टाइम ज्यादा लगता है, जैसे आईबीसी कोड हो गया, फेमा हो गया। दिस टॉपिक्स रिक्वायर टाइम एंड आर इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स एज वेल। सो दैट इज वाई अपने को टाइम जो एलोकेशन देना है वो लगभग बराबर देना है इन दोनों एरियाज में, एटलीस्ट रिविजन के वक्त। क्यों, क्लासेस में भी आपने कंपनी लॉ में ज्यादा टाइम दिया है, जब सेल्फ स्टडी आपने करी है पहले, तब भी आई एम श्योर आपने कंपनी लॉ में ज्यादा टाइम दिया है। तो यार, तो एटलीस्ट रिविजन के वक्त तो आप इंसाफ कर दो, रिविजन के वक्त तो 50-50 रख दो। तो 3 दिन में अपना कंपनी लॉ रिवाइज हो गया। अब आते हैं डे 4 में। डे 4 में मैंने लिया है एक भारी भरकम चैप्टर, दैट इज आईबीसी कोड 2016। तो आईबीसी कोड में लगेंगे लगभग 6 घंटे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। एंड दूसरा मैंने रखा है सेबी लोडर 4 आवर्स। अब सेबी लोडर का जो चैप्टर है वो ऑडिट में भी है, तो आपको इतना सरदर्दी नहीं होगा क्योंकि ऑडिट में भी आप सेम चैप्टर पढ़ते हो विद द नेम ऑफ ऑडिट कमिटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो डे 4 में मैंने यही 2 चैप्टर्स रखे हैं खाली, आईबीसी कोड 2016 एंड सेबी लोडर। उसके बाद आते हैं डे 5। तो डे 5 के अंदर मैंने रखे हैं सारे छोटे छोटे चैप्टर्स जो 2-2 घंटे के चैप्टर्स हैं। एफसीआरए एक्ट 2 घंटा लगेगा, आर्बिट्रेशन एक्ट 2 घंटा लगेगा, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2 घंटा लगेगा, एंड सेबी एक्ट जो कि 2 घंटा लगेगा। और 2 घंटे का मैंने मार्जिन छोड़ दिया है कि भाई किसी भी चैप्टर में टाइम कम पड़ रहा है तो अकॉर्डिंगली आप क्या कर सकते हो सर, उस पर्टिकुलर चैप्टर को उतना टाइम एलोकेट कर सकते हो। मतलब ये 4 चैप्टर्स को मिलाकर मान लीजिए 2.5-2.5 घंटे, टोटल 10 घंटे। और उसके बाद आते हैं डे 6 पे। और डे 6 के लिए मैंने इस बार के लिए रखा हुआ है सर सिर्फ आपके लिए फेमा एंड वंस ए क्विक ब्रशअप ऑफ ऑल द सेक्शन नंबर्स एंड द लिमिट्स एक्सेट्रा। द रीजन बीइंग कि सर इस बार फेमा ना बहुत बल्कि हो गया है बिकॉज ऑफ चेंज इन द ओडीआई रेगुलेशंस। तो इस बार का जो ओडीआई का चेंज है, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का जो रेगुलेशंस का चेंज है, उसकी वजह से फेमा बहुत बल्कि हो गया है। ओडीआई अपने आप में कम से कम 4 घंटे का है, आपको आराम से 4 घंटा लग जाएगा ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को कवर करने में। पहले इस टॉपिक को कवर करने में मुश्किल से 1.5-2 घंटा लगता था क्योंकि इसके अंदर काफी कॉम्प्लिकेशंस आए हैं। तो ओडीआई का जो अमेंडेड वीडियो है दैट इज अवेलेबल इन माय यूट्यूब चैनल ऑलरेडी, हैव शेयर्ड दैट विद यू। वो वीडियो अपने आप में 3 घंटे का है सर, ठीक है ना, वो वीडियो अपने आप में 3 घंटे का है। तो ओडीआई का टॉपिक 4 घंटा लगेगा और आधा दिन ओडीआई आप मान लीजिए बचा हुआ जो फेमा है वो 4 घंटा लगेगा। एंड जो बचा हुआ 2 घंटा है उसके अंदर आपने क्या कर लेना है सर, सिर्फ एक बार ना पेजेस को टर्न कर लेना है, सारे सेक्शन नंबर्स देख लिए, लिमिट्स वगैरह एक बार देख लिया, तो ये सारी चीजें आपने करनी है। प्लस लास्ट डे है ना, डे 6 है, तो यार इसमें 10 घंटे से थोड़ा ज्यादा टाइम दे दो, तुम 2-3 घंटे एक्स्ट्रा दे दो, 12-13 घंटा दे दो। तो एक बार ब्रशअप कर लें सारे सेक्शन नंबर, सारे लिमिट्स, ऑल द टेक्निकल ग्लिचेस आउट देयर। तो एक बार उन चीजों को क्या कर लें सर, गो थ्रू कर लें। प्लस डे 6 के अंदर आई विल एडवाइस कि आप एक बार अमेंडमेंट वीडियो देख लेना अच्छे से। तो जो अमेंडमेंट वीडियो मैंने रिलीज करा है मे 23 के लिए, उसको अच्छे से देख लेना कि उसके अंदर मैंने सारे अमेंडमेंट्स आपको कवर करा रखे हैं। लगभग 3.5 घंटे का अमेंडमेंट वीडियो है जिसमें ओडीआई में मैंने 3 घंटे लगाए हैं और बचे हुए सारे चैप्टर्स के अमेंडमेंट सिर्फ आधे घंटे के हैं। तो एक बार उस अमेंडमेंट वीडियो को देख लेना लास्ट डे में, तो अच्छा रहेगा आपके लिए, बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। तो दिस इज हाउ आई हैव प्लान्ड फॉर यू द एंटायर रिविजन ऑफ सीए फाइनल लॉ। इट्स योर विश कि आप कैसे करना चाहते हैं, 6 डेज का शेड्यूल रखना चाहते हैं, इसको ब्रेकअप करना चाहते हैं 12 डेज में, 5 आवर्स पर डे। आपको लग रहा है सर कुछ से दिक्कत हो रही है तो यार संजीवनी कोर्स ले लो, कौन सा हेडेक है, कौन सा सरदर्दी है। एक नॉमिनल प्राइस्ड कोर्स है एंड उसके अंदर आपको 30 आवर्स का क्लासेस मिल रहा है, 2 महीने के व्यूज मिल रहे हैं, वैलिडिटी मिल रही है, क्लासेस को 2 बार देख सकते हो, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो जाएगा। आप इन प्रेजेंटेशन में भी काम कर रहे हैं, उसमें इंटरलिंकिंग स्किल्स में भी काम कर रहे हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो अपने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो तो है ही आपके लिए, ठीक है ना, जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो तो है ही आपके लिए, लाइक द ऑडियो क्लिप्स, सेवरल रिविजनरी वीडियोज दैट इज अवेलेबल। काफी सारे रिविजनरी वीडियोस ऐसे हैं कि सर आपने 6 महीना पहले अपलोड किया था, सर आपने 1 साल पहले अपलोड किया था, क्या उसको हम यूज कर सकते हैं क्या अभी के लिए? बिल्कुल कर सकते हो सर, क्योंकि सर उसके बाद ना उतना अमेंडमेंट आया ही नहीं है, तो आप आराम से उन वीडियोज को यूज कर सकते हो। सिर्फ रिसेंट अमेंडमेंट वीडियो साथ में देख लीजिए, आपका काम चल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि सर उसके बाद एज सच कुछ अमेंडमेंट ज्यादा है ही नहीं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी एग्जाम से पहले आपको बहुत सारे अमेंडेड वीडियोस भी मिलेंगे, अमेंडेड ऑडियो क्लिप्स भी मिलेंगे। तो दिस इज वन ऑफ द शेड्यूल दैट आई हैव मेड फॉर यू। आई बिलीव इट इज वेरी सिस्टमैटिकली प्लान्ड, वेरी साइंटिफिकली डिजाइंड। अगर आप इसको फॉलो करते हो तो आपको मजा आएगा, आपको लगेगा कि यस हम एक अच्छा सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं। एक होता है ना कि पढ़ के कॉन्फिडेंस आता है कि एक अच्छा सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं, तो दैट इज द कॉन्फिडेंस दैट यू आर गोइंग टू गेट इफ यू फॉलो दिस शेड्यूल। मैं यही एडवाइस करूंगा, 6 दिन में खत्म करो एक बार पूरे लॉ को, ताकि कॉन्फिडेंस आए कि यार मेरा 6 दिन में एक बार पूरा लॉ खत्म हो गया है। वेदर विद संजीवनी, विदाउट संजीवनी, विद क्लासेस, विदाउट क्लासेस, दैट्स कंप्लीटली योर डिस्क्रिप्शन। अपने आप को बंद दरवाजे में बंद करके खुद रिवाइज करना चाहते हो या किसी टीचर के रिविजनरी वीडियो साथ में देखना चाहते हो, वो भी आपकी मर्जी है। दैट डिपेंड्स अपॉन विच टाइप ऑफ स्टडी अप्रोच एक्चुअली हेल्प्स यू आउट एंड विच टाइप ऑफ स्टडी अप्रोच एक्चुअली सूट्स यू आउट। सिमिलरली मैंने ऑडिट 6-day रिविजन प्लानर भी आपके साथ शेयर किया हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर अवेलेबल है। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो भाई वीडियो को लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। ऑल द वेरी बेस्ट, लव यू ऑल, टेक केयर।